Good morning friends, in today's video we will continue our first flight's 9th chapter, Madam Rides the Bus, written by the writer Vallika Nand, who was born in 1920 and died in 2006. He was Indian journalist, writer and scholar. Before explaining, I again want to introduce you about the introduction of the chapter and characters of the chapter. Firstly, introduction. In this sensitive story, this is a very sensitive story, and in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world. इस sensitive story में एक 8 years की girl है और उसकी पहली बार बाहर के world की first bus journey को describe किया गया है. And also induction into the mystery of life and death. और उस first bus journey में वो life और death की mysteries को भी सीखती है. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. और साथ साथ वो ये सीखती है कि हम death के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं. Now characters of the chapter. First is Vallika Mai. Vallika Mai, she was known as Vali. Shortly, she was known as Vali. She was protagonist of the chapter. She was very curious girl. Curious means eager. Self-confident, self-respecting beyond her age. वो अपनी एज से ज्यादा self-respect represent करती है. She was a good planner. Next is conductor. Conductor, he was a jolly person. Students, previous video में हम इस chapter का कुछ part discuss कर चुके हैं, तो आगे हम इसको line by line explain करेंगे. और जब वो bus में जाती है तो conductor उसे madam कहके address करता है, क्योंकि वो अपनी age से ज्यादा maturity show करती है, इसीलिए conductor उसे as a madam कहके address करता है. उसके बाद वल्ली है, वो बस को देखती है कि बस के है वो बाहर से व्हाइट है, उसके बीच में ग्रीन स्ट्रिप्स लगी हुई है, अंदर जो बार है हेड ओवर बार वो सिल्वर जैसा दिख रहा है. मीन्स यहाँ बस को डिस्क्राइब किया गया है. उसके बाद वली है, वो टिकट भी लेती है कंडक्टर से कह के. वो ये भी कहती है कि उसे मैडम कह के एड्रेस ना करे. एक एल्डर पर्सन है, वो वली से ये कहता है कि वो नीचे बैठ जाए. जिस टाइम पे वली बाहर देखती है तो वो देखती है कि कैसे एक साइड तो ग्रीनरी दिखाई देती है उसको, और सेकंड साइड हिल्स है, ये सब उसको दिखाई देता है. और तभी एक एल्डरली वुमेन है, वो वली के पास आके बैठती है. वो बहुत ही रिपल्सिव होती है. रिपल्सिव मीन्स हेटफुल. अब वो हेटफुल क्यों लगती है, क्योंकि उसके ईयर्स के जो होल है वो बहुत ही बिग है, और वो वुमेन है वो कुछ बीटर जूस मीन्स पान टाइप का कुछ वो खा रही है, और ऐसा लगता है कि वो जूस है जो उसके मुंह में है वो किसी भी टाइम उसके लिप्स से टपक सकता है. तो इसलिए वल्ली सोचती है कि ऐसे पर्सन के साथ कोई भी सोशिएबल मीन्स एमिएबल मिलनसार नहीं होना चाहेगा. और लास्ट में वल्ली उसे बहुत ही रिपल्सिव पाती है. अब पार्ट थर्ड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. इज फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट. अब यहाँ पे है कि वर्ली ने जो प्लानिंग की थी उसकी जर्नी के लिए, कि कैसे उसने बहुत ही केयरफुली पेनस्टेकिंग कैसे हार्डवर्क किया, हर चीज को केयरफुली से देखा, इलेबोरेट प्लान्स कैसे अच्छे से उसने प्लानिंग की. एंड सी हैड टू मेक फॉर इट. She had thriftily saved. Thriftily means very wisely, बहुत समझदारी से. Saved whatever stray coins come her way. कि वर्ली के सामने जो कॉइन आते थे उनको वो बहुत ही समझदारी से साइड में रखती रहती थी. मीन्स वो जोड़ती रहती थी. बच्चे हैं और बच्चे अपनी विशेष पे कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन वर्ली है वो ऐसा करती है. वो अपनी विशेष पे कंट्रोल करती है और वो पैसे जोड़ती है. She had resisting. Resisting means suppressing, दबाना.
एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स अट्रैक्शन टू बाय पीपरमेंट। छोटे बच्चे हैं वो खाने की चीज को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वल्ली के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो जिस भी चीज को देखती है, चाहे वो पेपरमिंट्स है मीन्स पुदीने की गोलियां, टॉयज है, बैलून्स है एंड द लाइक, या फिर ऐसे ही कोई सामान है जो वल्ली को अट्रैक्ट करता है, वो इन सब अपनी विशेज को दबाती है और स्ट्रे कॉइंस को वो जोड़ना शुरू कर देती है। एंड फाइनली सी हैड सेव ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और लास्ट में वो 60 पैसे सेव कर लेती है फेयर के लिए, किराए के लिए, क्योंकि वल्ली ने पैसेंजर से सुन रखा होता है कि 30 पैसे एक साइड के हैं, तो 30 जाने के 30 आने के टोटल हो गए 60 पैसे, तो वल्ली है 60 पैसे सेव कर लेती है। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है कि वल्ली है वो अपने फेयर के लिए पैसे सेव कैसे करती है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो कैसे करती है, वो अपनी सभी विशेज को सप्रेस करती है, चाहे वो पीपरमेंट की हो या फिर टॉयज की, बैलून की, वो हर अपनी चीज को, अपनी इच्छा को दबाती है और कॉइन्स को वो कलेक्ट करती है। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और उसके लिए जो विलेज फेयर मीन गांव का जो मेला था, उस दिन वर्ली को बहुत ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी किस बात को लेके, बट सी हैड रिसोल्यूटली, रिसोल्यूट मीन्स डिटरमाइंड, उसे किस बात को लेके डिफिकल्टी फेस हुई थी, क्योंकि सामने एक झूला था और बच्चों को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, वो अपने इस इच्छा को भी दबा लेती है। स्टीफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्टीफल्ड मीन्स सप्रेस्ड, दबा लेना, वो अपने इस विश को भी दबा लेती है। टू राइड द मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड मीन्स ए राउंड स्विंग, झूला। इवन दाउ सी हैड द मनी, उसके पास पैसे होते हैं, उसके बाद भी वो पैसे बचा लेती है, और जब बच्चों के पास पैसे होते हैं उसके बाद कोई चीज ना कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बच्चे बहुत इजीली पैसे दे देते हैं चीजों को खरीदने के लिए, लेकिन वल्ली है वो ऐसा करती है। अब यहाँ पे वल्ली है वो बहुत वाइज है, ये पॉइंट उसका प्रूव हो रहा है। After she had enough money saved, जब उसके पास sufficient पैसे हो गए, कितने 60, 31 वे एंड 32 वे, her next problem was how to slip out of the house, उसके सामने next problem कौन सी आई कि slip out means go out secretly, कि वो घर से बाहर कैसे निकले, चुपचाप से निकले तो कैसे निकले, without her mother's knowledge, कि मदर को पता भी ना चले और वल्ली चली भी जाए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन वल्ली इसको भी बिना किसी डिफिकल्टी के मैनेज कर लेती है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप, नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप, हर दिन उसकी मदर है वो एक ही झपकी लेती है, उस टाइम के लिए सोती है, अबाउट 1 to 4 or so, 1 to 4 के बीच लगभग वो सोती है दोपहर में। वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सरसाइज मिस पिकनिक, और वल्ली इन आर्ट्स का यूज कैसे करती है अपनी पिकनिक के लिए, पिकनिक मीन्स सैर सपाटा, कौन सा टाइम, जब वल्ली की मदर घर पे सोती है 1 to 4 के बीच में, तो उस टाइम पे वल्ली क्या करती है, वो बाहर घूमती है। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, वो डोर पे खड़ी हो जाती है, बाहर देखती रहती है। समटाइम्स इवन वेंचर्ड, वेंचर्ड मीन्स वेंट आउट इन टू द विलेज, और कई बार वो बाहर गांव में चली जाती है। टूडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सर्सन आउटसाइड द विलेज, लेकिन आज वो क्या करेगी, वो आज गांव से बाहर जाएगी और वो पिकनिक मनाएगी, मीन्स वो बस की जर्नी करेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो है बच्चों, एक तो ये है कि वल्ली है वो प्लानिंग कैसे करती है, क्यों बिना किसी के नोटिस में आए बस जर्नी कर ले, और सेकंड ये है कि वली जब उसकी मदर सोती है उस टाइम पे उस टाइम का यूज कैसे करती है। तो आई थिंक आपको दोनों के आंसर क्लियर हो गए होंगे। आगे द बस रोल्ड ऑन, हाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर, बेयर मीन्स विदाउट लैंडस्केप, अब बस है रोल्ड, रोल्ड मीन्स पास्ड, क्रॉस्ड, ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, अब बस है वो किस जगह क्रॉस कर रही है जहां पे कोई लैंडस्केप नहीं है, लैंडस्केप नहीं है मीन्स ना माउंटेन सीन है ना ग्रीनरी है, ऐसी लैंड वो बस क्रॉस कर रही है। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट,
हैमलेट मीन्स विलेज, वो छोटे छोटे गांव को क्रॉस कर रही है, और पास्ट एन ओल्ड वे साइट शो, और पास से जो किनारों पे जो साइड है गांव के किनारों पे जो शॉप है उनको बस क्रॉस कर रही है. समटाइम्स द बस सीम्ड, सीम्ड मीन्स अपीयर्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग, गोबलिंग मीन्स ईटिंग अप अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टुवर्ड्स देम, और पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मीन्स जो पैदल चलते हैं. क्रॉसिंग द रोड, अब आप व्हीकल में बैठे हो, आपने देखा होगा हम ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, उस टाइम पे सामने से कोई चीज आती है तो कैसे लगता है कि जो ये जो सामने चीज आ रही है हम इनको निगल जाएंगे, बेसिक चीज टकरा जाएगी, चाहे कोई रोड क्रॉस कर रहा है उस टाइम पे लगता है कि टकरा जाएंगे, या सामने से कोई चीज वैसे आ रही है तो लगता है कि टकरा जाएंगे, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है. और इसी तरह से जब हम व्हीकल में जाते हैं तो सामने से ट्रीज हमें कैसे लगते हैं कि बहुत तेज गति से हमारे ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं और वो पीछे चले जाते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. मूवमेंट कौन करता है? व्हीकल करता है, ना कि ट्रीज करते हैं, ये सब मूवमेंट नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, वर्ली को ऐसे लगता है कि सामने से जो व्हीकल है ये पेडेस्ट्रियन है जो रोड को क्रॉस कर रहे हैं उनको ये बस निगल जाएगी, खा जाएगी. बट समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मीन्स डिफिकल्टीज सेफली बिहाइंड, लेकिन बस इन सभी डिफिकल्टीज को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती है. ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. ऐसे ट्री के केस में है कि ट्री ऐसे लगते हैं कि जैसे कि वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, और जब व्हीकल उनके पास आता है तो हमें ट्री फिक्स दिखाई देते हैं, और बाद में ऐसा लगता है कि बहुत अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में ट्रीज दौड़ रहे हैं. सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली मींस हैप्पीनेस. अब एकदम से वली बहुत खुश होती है और वो क्लैपिंग करती है. अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है कि कौन सा सीन वली को सबसे अच्छा लगता है जिसपे वो क्लैपिंग करती है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, ध्यान से देखना है बच्चों. ए यंग काउ टेल हाई, टेल मीन्स पूंछ, टेल हाई इन द एयर. एक यंग काउ होती है, उसकी टेल है वो ऊपर की साइड है और वो दौड़ रही है. रनिंग अवे वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, वो कहाँ पे दौड़ रही है? इन द मिड ऑफ द रोड मीन्स वो बस के आगे आगे दौड़ रही है. आपने जनरली ये सीन तो देखा भी होगा कि कई एनिमल होते हैं, गाय है या फिर कोई ऐसे एनिमल, वो रोड में बीच में से दौड़ते रहते हैं, पीछे से जो व्हीकल है वो हॉर्न देता रहेगा और वो साइड में होने की बजाय बीच में दौड़ते रहते हैं, वो क्योंकि वो डरे हुए होते हैं इसलिए. तो सेम थिंग यहाँ बताया गया है कि जो यंग काउ है उसकी टेल ऊपर है, वो डरी हुई है इसलिए, और वो रोड के मिड में दौड़ रही है. राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने. द बस स्लो टू ए क्रॉल, बस की स्पीड है वो धीरे हो गई. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, ड्राइवर है वो बार बार हॉर्न दे रहा है जोर जोर से. बट मोर ही होंग्ड, जितना वो हॉर्न बजा रहा है द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, उतना ही ज्यादा वो एनिमल डर रहा है. एंड फास्टर इज गैलोप्ड, और उतनी ही फास्ट वो दौड़ रहा है. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, लेकिन अब भी वो बस अब भी वो रोड के बीच में ही है और बस के आगे है, और ये सीन वल्ली को बहुत अच्छा लगता है और वल्ली इस सीन पे क्लैपिंग करती है. Somehow this was very funny to वली, वल्ली को ये सीन बहुत ही फनी लगता है. कौन सा? जिसपे वो क्लैपिंग करती है. क्लैपिंग कौन से पे करती है? इस काउ वाले सीन पे करती है. She laughed and laughed until there was tears in her eyes. वो इतना हंसती है, वो इतना हंसती है जब तक कि उसकी आईज में टीयर्स नहीं आ जाते. अब बच्चों कई क्या होते हैं, हंसते हैं उस टाइम पे भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं. देखा है किसी ऐसे पर्सन को, ऐसा होता है कि बहुत कम होता है लेकिन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हंसते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor.
अब कंडक्टर कहता है कि आज तुम बहुत हंस रही हो, बहुत ज्यादा नहीं हंस रही हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए कुछ हंसी बचा के रखो। एट लास्ट द काउ मूव ऑफ द रोड, और लास्ट में काउ है वो रोड के साइड में हो जाती है। एंड सून द बस केम टू ए रेलवे क्रॉसिंग, और बहुत जल्दी बस एक रेलवे रोड क्रॉसिंग पे पहुंच जाता है। रेलवे रोड क्रॉसिंग मीन्स जहाँ पे फाटक बंद होती है और रेल क्रॉस करती है, उस सीन को बोला गया है रेलवे रोड क्रॉसिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों कि रेलवे रोड क्रॉसिंग पे वली क्या ऑब्जर्व करती है, क्या देखती है, या फिर डिस्क्राइब रेलवे रोड सीन। अ स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन, हियर स्पैक मीन्स स्मॉल साइन। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew nearer. आप कभी फाटक के पास खड़े हुए हो ना, ट्रेन जाती है उस समय फाटक बंद होता है तो व्हीकल खड़े होते हैं, दोनों साइड खड़े होते हैं, तो आई थिंक आप भी कभी ना कभी तो वहां पे खड़े हुए ही हो। और जिस टाइम पे ट्रेन आती है और ट्रेन बहुत डिस्टेंस पे होती है तो उस टाइम पे ट्रेन कैसे दिखाई देती है, बहुत छोटी सी दिखाई देती है। और उसके बाद वो और पास आती है, और पास आती है तो हमें कैसे दिखती है, वो और बड़ी दिखती जाती है, ये सीन देखा होगा। और जब ट्रेन क्रॉस करती है तो उसकी इतनी साउंड होती है कि जो आसपास व्हीकल खड़े होते हैं दोनों साइड, उनमें कंपन शुरू हो जाता है उस ट्रेन की आवाज से। ये सीन आपने देखा होगा ना, सेम सीन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कि दूर से ट्रेन कैसे दिखाई देती है, स्पैक बहुत स्मॉल दिखाई देती है, उसके बाद ट्रेन पास आती है तो बिगर, और पास आती तो और बिगर वो दिखाई देती हुई जाती है। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट, उसके बाद वो उस क्रॉसिंग गेट को क्रॉस करती है विद ए ट्रेमडस रोड, कि कैसे, बहुत ही तेज आवाज के साथ। एंड रैटल, रैटल मीन्स रैटलिंग साउंड, जब ट्रेन जाती है तो खड़खड़ की जो आवाज होती है उसको यहाँ पे रैटलिंग साउंड बोला गया है। सेकिंग द बस, और उस साउंड की वजह से बस बिल्कुल हिल रही थी, बस ही नहीं जो और व्हीकल थे वो भी हिल रहे थे, लेकिन वर्ली बस में है तो उस यहाँ पे उस बस को ही पर्टिकुलर मेंशन किया गया है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स मीन्स क्रॉस ट्रेवल मीन्स पार करना, ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और इस तरीके से वो उस रेलवे रोड क्रॉसिंग को पास कर लेते हैं और वो आगे निकलते हैं। तो आगे निकलने के बाद वो क्या देखते हैं कि एक मार्केट है, वहां पे शॉपिंग स्ट्रीट है, एंड टर्निंग एंड एंटर ए वाइडर थ्रोफेयर, इन सबको क्रॉस करने के बाद बस है वो एक थ्रोफेयर मीन्स पब्लिक हाईवे, पब्लिक रोड, चौराहा बोलते हैं जिसको, वहां पहुंच जाती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, वहां पे बड़ी बड़ी और चमकीली शॉप होती है। व्हाट ग्लिटरिंग, शाइनिंग कर रही है। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ, और वहां पे जो सेल करने के लिए क्लोथ या अदर थिंग्स रखी हुई है वो ग्लिटरिंग, वो शाइनिंग कर रही है। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स थिंग्स फॉर सेल, वो चीजें बेचने के लिए रखी हुई है। सच बिग क्राउड, और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है। Struck dumb with wonder, Wally gaped at one everything. अब वर्ली ने ये सारे सीन पहली बार देखे हैं, काउ का सीन या फिर ये जो रेलवे क्रॉसिंग सीन है, ये भी इतने बड़े बाजार, चमकीले चीजें रखी हुई है, ये सब वर्ली ने पहली बार देखा है, क्योंकि वर्ली पहली बार अपने विलेज से बाहर आई है और इन सबको देख कैसे रही है, gaped, gap means कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं, वो चीज हमें इतना अट्रैक्ट कर लेती है कि हमारा मुंह भी खुला रहता है, मुंह के बीच में भी गैप हो जाता है। देखा होगा कई बार आपने, आपका मुंह भी आई थिंक कई बार गैप बन चुका होगा, तो वर्ली बिल्कुल वैसे ही देख रही है। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गोट ऑफ एक्सेप्ट वर्ली, वर्ली, और उसके बाद बस रुकती है और वर्ली को छोड़ के हर कोई उतर जाता है। वर्ली क्यों नहीं उतरती, क्योंकि वर्ली की प्लानिंग में इन्वॉल्व क्या था कि वो 30 पैसे देगी, टाउन तक जाएगी और वो बस में रहेगी और वापस उसी बस से आ जाएगी, इसलिए वर्ली नहीं उतरती। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, अब कंडक्टर कहता है कि क्या तुम नहीं उतरोगी। अब कंडक्टर एक बच्ची को, 8 years old girl को लेडी कहके एड्रेस कर रहा है, क्यों,
क्योंकि वो बिहेव कैसे कर रही है, लाइक ए मैच्योर वुमेन कर रही है, इसलिए उसको लेडी कह के एड्रेस करता है। वो कहता है, क्या तुम नहीं उतरोगी? दिस इज एज फार एज यू 30 पैसे टेक्स यू, कि तुम्हारे 30 पैसे हैं वो यहीं तक तुम्हें ला सकते हैं। मीन्स कि तुम्हारा किराया है वो यहाँ पे खत्म होता है, तुमने 30 पैसे एज ए फेयर दिए थे और 30 पैसे में तुम यहीं तक ही आ सकती हो। नो वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वली कहती है कि वो सेम बस में वापिस जाएगी, वो नहीं उतरेगी। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वो अपनी पॉकेट से 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर को हैंड ओवर कर देती है। वाई इज समथिंग द मैटर, कंडक्टर पूछता है कि कोई बात हो गई, कोई मैटर है? नो नथिंग्स मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल। मुझे केवल बस राइड करनी थी, इनफ। डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर? कंडक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो तो क्या तुम जो आसपास के साइट्स, जो सीन है, जो दृश्य है, उनको नहीं देखना चाहोगी? डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट ऑल द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर ऑल बाई माई सेल्फ? वल्ली कहती है, मैं अकेले ही, ओ आई वुड बी मस्ट टू अफ्रेड, मुझे डर लगता है। किस बात को लेके? बाहर जाने में और बाहर सीन को देखने में उसे डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज, अम्यूज मीन्स एंटरटेन्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड। अब जिस तरीके से वल्ली ये बात बोलती है कि अकेले ही मुझे डर लगता है, तो कंडक्टर उसकी इस बात से बहुत ही खुश होता है और कहता है कि बट यू वर नॉट एफर्ड टू कम इन द बस, बस में तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा। नथिंग टू बी एफर्ड ऑफ अबाउट दैट, वल्ली कहते हैं कि इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। सी आंसर, वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। अब फिर कंडक्टर कहता है कि तुम वहां पे एक स्टॉल है, वहां पे जाके क्या तुम ड्रिंक नहीं करना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। नथिंग टू बी Afraid of about death either. इस बात में डरने की कोई बात भी नहीं है। Oh no, I couldn't do that. वल्ली कहती कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अब वल्ली वहां जाके, पास में स्टॉल है, वहां पे भी कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वल्ली के पास पैसे नहीं है, उसके पास ओनली 60 पैसे हैं, ओनली फेयर के, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। अब कंडक्टर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला के देता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। अब वर्ली क्लियरली बोल देती है कि उसके पास पैसे नहीं है, केवल फेयर के पैसे हैं, तो फेयर लो, फेयर उसे दे दिए ऑलरेडी, और मुझे टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट, ट्रीट मीन्स ऑफरिंग सर्विस एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। करेक्टर कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट होगी और तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। नो नो सी सेड फर्मली, प्लीज नो। अब वर्ली मना कर देती है। अब ये पॉइंट वर्ली का क्या शो करता है? सी वॉज सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल। द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग्ड मीन्स पुल शोल्डर्स बैक, ऐसे करना। अब कंडक्टर है वो श्रग्ड करता है। एंड दे वेटेड इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और जब तक वापिस जाने का टाइम नहीं होता था बस का, तब तक वो वेट करते हैं। अगेन देर वॉज नॉट मैनी पैसेंजर्स। अब जब दोबारा बस चलती है तो दोबारा से उसमें बहुत ज्यादा पैसेंजर नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डिड वर्ली सेव अप मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी? वॉज इट इजी फॉर हर? कि वर्ली ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे कैसे बचाए? क्या ये सब करना उसके लिए इजी था? तो अपने माइंड में सोचो, वर्ली ने कैसे मैनेज किया था। वर्ली ने मैनेज किया था कि वो अपने पेपर में टॉयज, बैलून, इन सब की अपनी डिजायर को सुप्रेस करती है, वो मैनेज करती है। और वो विलेज फेयर वाले दिन वो स्विंग का यूज भी नहीं करती, ये उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। उसके बाद भी वो अपनी डिजायर को सप्रेस कर लेती है और मनी मैनेज करती है। अब क्या ये सब एक छोटी बच्ची के लिए पॉसिबल, मीन्स इजी था? नहीं, ये सब इजी नहीं था।
हाउ डिड वर्ली सी ऑन हर वे दैट मेक हर लाफ। वर्ली ने रास्ते में क्या देखा जिसको देख के उसे बहुत ही हंसी आई। तो सीन कौन सा था? वही सीन जिसको देख के वो क्लैपिंग भी करती है। यस, काउ वाला सीन। नेक्स्ट है, व्हाई डिडंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। बस स्टेशन पे वो बस से क्यों नहीं उतरती? तो क्यों नहीं उतरती, क्योंकि उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या था, उसी बस में जाना है, उसी बस में वापिस आना है, और उसके पास पैसे भी नहीं थे एक्स्ट्रा, इसलिए वो बस से नहीं उतरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वर्ली वांट टू गो टू द स्टॉल। वर्ली स्टॉल पे क्यों नहीं जाना चाहती? एंड हैव ए ड्रिंक, और ड्रिंक क्यों नहीं लेना चाहती? What does this tell you about her? ये सब वर्ली के बारे में आपको क्या बताता है? तो ये सब हमें क्या बताता है वर्ली के बारे में, कि वर्ली है वो बहुत ही वाइज और कॉन्फिडेंट थी, और वो स्टोर के पास जाकर कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लेना चाहती? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट था कि बस जर्नी की जाए